मई का महीना खत्म हो रहा है, इसी के साथ में गर्मी भी अब अपने पूरे शबाब पर है और ऐसे में हड़ौती में भी सूरज का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा में पारा 45 के ऊपर हो गया है तो वहीं धूप भी झुलसाने लगी है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हर कोई मुंह पर रुमाल और स्कार्फ बांधकर गर्मी से बचने का जतन कर रहा है तो वहीं चिकित्सक भी लगातार शहरवासियों को 12 से 4 बजे तक अपने घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रहे हैं। इसी के साथ लगातार पानी पीने की सलाह भी दे रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने इस भीषण गर्मी से बचने के बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र भावर ने। सूरज की तेज तपिश लोगों को झुलसाने लगी है, ऐसे में आज का तापमान 45 डिग्री पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है, मई का महीना चल रहा है और कोटा में मई जून जुलाई ये 3 महीने कोटा के लिए बहुत ही भारी होते हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट झालावाड़ रोड पर और ये पूरा एयरपोर्ट झालावाड़ रोड का नजारा है जो पूरा तप चुका है, जो गर्मी है वो झुलसा रही है लोगों को। वाहन जरूर यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन जो बाइक सवार जो लोग हैं वो भी मुंह पर मास्क पहन के निकल रहे हैं। सूरज की तेज तपिश लोगों को इस तरह से झुलसा रही है कि लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके लोग अपने जरूरी काम के लिए जरूर बाहर निकल रहे हैं और अपने काम को निपटा रहे हैं। दूसरी ओर इसी रोड पर काफी थड़िया भी लगी हुई है जहाँ पर तरबूज खरबूजे ठंडाई जो पहुंचा सके, लोगों को जो राहत दे सके वो यहाँ पर बिक रहे हैं और लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। तो वहीं चिकित्सक जो है, चिकित्सकों का भी कहना है कि इस भीषण गर्मी में जिस तरह से भीषण गर्मी अभी बनी हुई है तो वहां पर ठंडे पेयजल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, ठंडाई की चीजें लेना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक चिकित्सक मौजूद है, डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी। डॉक्टर साहब, 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, कल भी लगभग इतना ही था, तो किस तरह से गर्मी झुलसा रही है और इससे बचाव के लिए किस तरह का उपयोग लोग कर सकते हैं ताकि भीषण गर्मी से बच सके? गर्मी बढ़ने की वजह से बेसिकली हीट स्ट्रोक होता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो प्रथमतः तो यदि आवश्यक नहीं हो तो 12 बजे से और 5 बजे के बीच में लोगों को घर से निकलना अवॉइड करना चाहिए। यदि फिर भी हमें घर से निकलना पड़े तो अपने शरीर पे हल्के कलर के कपड़े और लूज कपड़े पहनना उपयोगी होगा और मुंह पर मास्क भी लगाए, सर पर भी रख करके चले, इससे बचाव हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेयजल पिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 12 से 3 या 4 बजे के बीच में ना निकले, क्या वजह है इसके निकलने की? सूरज की तेज तपिश है या फिर जो महीना अभी चल रहा है मई जून का, इसमें ज्यादा सूरज अपनी आग उगलता है? इस समय जिस प्रकार सूरज अपनी आग उगल रहा है, 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, इससे बॉडी को बहुत नुकसान होता है क्योंकि जैसी तेज गर्मी में कोई भी व्यक्ति निकलता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी से पानी की कमी होती है, फिर उसके बाद में उसकी बॉडी से मिनरल की कमी होती है। ऐसी कंडीशन में उसका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा होने की वजह से उसका सर्कुलेशन कम हो जाता है, सर्कुलेशन कम होने की वजह से प्रोटीन में भी दिक्कत आती है और इन सब चीज़ों से धीरे धीरे वो उसके हार्ट की पावर कम हो जाती है और एक तरह से वो अचेत अवस्था की तरफ चला जाता है। इसी को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। इसीलिए बोला गया है कि 12 बजे से जो 4 बजे 4:30 बजे का समय होता है जिसमें तेज धूप और तेज गर्मी होती है जिसको सहन नहीं कर सकते, ऐसी गर्मी में निकलने से बचा जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर बहुत भीषण गर्मी अभी कोटा में पड़ रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर तापमान है, संभावना ये भी जताई जा रही है कि ये टेम्परेचर आगे भी बढ़ेगा। चिकित्सकों का भी कहना है कि 12 से लगभग 4 बजे के बीच में ना निकले ताकि आप इस भीषण गर्मी से बच सके, क्योंकि ये भीषण गर्मी आपको झुलसा सकती है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। समय समय पर पानी का इस्तेमाल करें, पानी पिए, जो भी उपयोगी जो ठंडी वस्तुएं उनका सेवन करें ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। सहयोगी राजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।